बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। अगर मैं ये कह दूं कि यूनाइटेड नेशंस ने एक्शन लिया अगेंस्ट अ कंट्री, यूएन ने सेंक्शंस इम्पोज किए इस कंट्री के ऊपर, तो ये बात सही है, इट मेक्स सेंस, इट इज बिलीवेबल। बट ये फैसले के एक स्टेट है, एक कंट्री है, उसने एक्शन लिया अगेंस्ट द यूएन। उस कंट्री ने सेंक्शंस इंपोज किए हैं खुद यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। इट लुक्स क्वाइट नॉनसेंस एंड अनबिलीवेबल, लेकिन यह बात सच है, ऐसा हुआ। इसराइल ने एक्शन लिया अगेंस्ट द यूएन, इसराइल ने सेंक्शंस इंपोज किए हैं यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। वे चार एक्शंस लिए हैं, इसराइल ने चार एक्शंस लिए हैं अगेंस्ट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस इज द अग्रेसिवनेस ऑफ इसराइल एंड द फेल्यूर ऑफ द यूएन। यूनाइटेड नेशंस का बिल्कुल ये फेल्यूर है, और यूएन उस तरह कमजोर हो चुका है जिस तरह लीग ऑफ नेशंस कमजोर हो गया था, और फिर उसका हुआ डाउनफॉल। तो हम कह सकते हैं दिस इज द बिगनिंग ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। वेल, समझते हैं कि इसराइल ने कौन से चार एक्शंस लिए हैं अगेंस्ट द यूनाइटेड नेशंस। इसराइली एक्शन अगेंस्ट यूएन चीफ, यूनिफिल एंड अनरा, इसको हम यहां पे नंबर वन कर लेते हैं। द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी अनरा, which was made on 8 December 1948. इसका हेडक्वार्टर है अमान, जॉर्डन में, गजा पलस्तीन के अंदर। अनरा वॉज मेड टू सपोर्ट पलस्तीन। अनरा को बनाया ही गया था कि वो सपोर्ट करे फलस्तीन को, जो रिलीफ वर्क्स हैं फलस्तीन के लिए, चाहे वेस्ट बैंक है, चाहे गजा है, ओवरऑल फलस्तीन के अंदर, वहां फूड को लेकर, मेडिकल, एजुकेशन, क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हर लिहाज से, यानी कि रिलीफ फंड्स फॉर पैलेस्टाइन, वो काम इसका है, अनरवा का। अब इसराइल ने क्या किया, इसराइली पार्लियामेंट यानी कि द नेस्ट, ये नाम है पार्लियामेंट ऑफ इसराइल का, द नेस्ट पास बिल ऑन 28 अक्टूबर टू बैन द अनरा इन 90 डेज। इसराइल ने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया कि विद इन 90 डेज में हमें पाबंदी इंपोज करनी है अनरा के ऊपर, और बिल्कुल गजा में, फलस्तीन के किसी भी एरिया के अंदर इसको फंक्शनल नहीं करना, इसको यहां से बाहर निकाल देना है। जरा सोचिएगा, अब जो जुल्म हो रहा है गजा के अंदर, पूरे फलस्तीन के अंदर, फिर भी वहां कुछ ना कुछ रिलीफ काम हो रहे हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ अनरा, यही वहां पर काम कर रहा है। मोर देन 30,000 यहां इसके मेंबर्स हैं, एंड दे आर मोस्टली फ्रॉम पैलेस्टाइन। यूएन की तरफ से उनके लिए फूड को लेकर, मेडिसिन, क्लीन वाटर, एजुकेशन के लिहाज से, हर लिहाज से रिलीफ फंड्स मिलते हैं उनको। अब अगर इसराइल इस पर पाबंदी लगाए, इसको बैन करे, जरा सोचिएगा कि गजा के लोग वहां पर भूखे और प्यासे मर जाएंगे, नो वाटर, नो फूड, कुछ नहीं होगा फिर वहां पर। ये जरूरत कैसे किया इसराइल ने, यूनाइटेड नेशंस का एक एजेंसी है, एक इदारा है, उसको बैन करना, यानी कि खुद यूएन पर पाबंदी है, ये जरूरत कैसे किया इसराइल ने। और यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दिया, यानी कि ये कहा कि इसराइल शुड नॉट डू दैट, ये गलत कर रहा है इसराइल। ये रिस्पॉन्स आया यूएन की तरफ से, हालांकि यूएन को स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करना चाहिए था कि आप हैं कौन, आप हैं कौन इसराइल, लेकिन यहां तो इसराइल कह रहा है यूएन कौन है, हु द हेल इज द यूएन इटसेल्फ, यूएन है कौन, यानी कि इसराइल औकात दिखा रहा है यूनाइटेड नेशंस को कि आपकी औकात क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आप हैं कौन, जरा अपने हद में, अपने लिमिट में रहें आप। नंबर टू, ये चीज द यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, यूनिफिल,
वॉज मेड ऑन 19 मार्च 1978। इसका हेडक्वार्टर भी लेबनान में ही है। यूएन का पीस कीपिंग, जो यूएन का पीस कीपिंग फोर्स वैसे है, रिजार्स कार्ड बिल्लू हेलमेट, ये उसका हिस्सा है, उसका पार्ट है ये भी एक, लेकिन ये है ओनली फॉर लेबनान, लेबनान के लिए। 78 में अटैक किया था इसराइल ने लेबनान पर। अच्छा जी, अब यहां ना दो पास किए सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन इसी तारीख को, 19 मार्च 79 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस 425 एंड 426, 425, 426 ये नंबर्स होते हैं यूएन के रेजोल्यूशंस के। अब इनके तहत क्या हुआ, इसराइल ने एक्चुअली अटैक किया था लेबनान के ऊपर 78 में, तो उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किए हैं ये दो रेजोल्यूशंस के इसराइल यहां से निकल जाए लेबनान से, इसराइल मस्ट विथड्रॉ फ्रॉम लेबनान, और उसके बाद ये बनाया गया था यूएन आई एफ आई एल ऑन 19 मार्च 78 के लेबनान के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इनसिक्योरिटी है, उसको लेकर ये हमारा काम है। अब इसराइल जो है मुकम्मल तौर से विथड्रॉ करे, छोड़ दे लेबनान को। क्लियर? अच्छा, फिर क्या हुआ, 2006 में एक और पास किया गया रेजोल्यूशन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701 पास्ड ऑन 11 अगस्त 2006। सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1701। अब 2006 में भी आकर हमला किया था इसराइल ने लेबनान के ऊपर, और सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि दो बातें यहां पर, एक तो इसराइल यहां अभी से अभी निकले बाहर लेबनान से, इसराइल मस्ट लीव लेबनान, नंबर टू हम खुद काउंटर करेंगे, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स फॉर लेबनान यूनिफिल, इट विल काउंटर, इट विल फेस हिजबुल्ला, और चाहे हम टॉक्स करें जैसे भी, पहले ऑफर देंगे हम हिजबुल्ला को कि इट शुड डिसआर्म इटसेल्फ, इट शुड डिमिलिट्राइज इटसेल्फ। तो ये हमारा काम है, इसराइल यहां जल्दी यहां से निकल जाए लेबनान से। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2024, उसको एक महीना हो गया इसराइली इन्वेजन ऑफ लेबनान, कह सकते हैं कि कोई तीसरा या चौथा अटैक है लेबनान पर इसराइल का। अब 1 अक्टूबर से लेकर आज है 1 नवंबर, पूरा महीना गुजर गया। सिक्योरिटी काउंसिल ने बार बार रोकेस किया, फिर वार्निंग दिया इसराइल को कि आप जंग को स्टॉप करें, ये आपका इंटरवेंशन लेबनान में इलीगल है। क्यों इलीगल है? इट इज द वायोलेशन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1707, 425 एंड 426, जिनके मुताबिक लेबनान के अंदर दो फोर्स होंगे। दो फोर्स कौन से होंगे? एक लेबनान की अपनी फौज, एक लेबनान की अपनी आर्मी, नंबर टू दिस यूनिफिल, द यूनाइटेड नेशंस एंटम फोर्स इन लेबनान। बस ये हमारा काम है, कोई यहां इंटरवेंशन इंटरफेयर नहीं होना चाहिए इसराइल का, ये बिल्कुल इलीगल है, इट इज अगेंस्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, इसराइल मस्ट विथड्रॉ। लेकिन अभी तक बमबारियां जारी हैं इसराइल के लेबनान के ऊपर, ओपनली वायोलेट कर रहा है यूएन के रेजोल्यूशंस को, सिक्योरिटी काउंसिल को, लेकिन अगेन यूएन is silent, it is quite helpless. Israel बहुत ही powerful है, बहुत ही strong है, और security council बहुत ही कमजोर है, कुछ नहीं कर सकता वो। उसके बाद कौन सा step? उसके बाद क्या? उसके बाद ये चीज number 3 करते हैं इसको हम। On 9 October, Israeli foreign minister, Israel Katz declared the UN chief Antonio Guterres as persona non grata. In international law, persona non grata means not acceptable. वो शख्स
जिसको हम वेलकम नहीं करते, जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे मुल्क में ना आए, यानी कि पाबंदी इंपोज किया गया। इसराइल ने बैन किया कि अंतनो गोत्रस इसराइल नहीं आ सकता। इसका वजह क्या? इसका वजह यह कि जब 1 अक्टूबर को ईरान ने मिसाइल फायर किया था इसराइल के ऊपर, इसका कोड नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2। जो पहले वाला था वो प्रॉमिस 1 था, ये 2 है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2। कि ईरान की तरफ से मिसाइल्स फायर किए गए इसराइल के ऊपर, लेकिन गोत्रस ने कुछ नहीं कहा, यूएन चीफ रिमेन साइलेंट। ईरान के इस अटैक को अंतनो गोत्रस ने कंडेम क्यों नहीं किया? तो लिहाजा इस पर पाबंदी है, ये कभी इसराइल नहीं आ सकता। पता है फिर क्या हुआ? फिर 10 अक्टूबर को अंतनो गोत्रस ने हाथ जोड़े इसराइल को कि आप मेरे बॉस हैं भाई, आप मेरे सब कुछ हैं, मुझसे गलती हो गई, आई स्ट्रांगली कंडेम ईरानियन अटैक। और फिर इसने कंडेम किया कि ईरान ने गलत किया इसराइल पे अटैक करके। अब देखिए जरा, इसराइल पाबंदी लगा रहा है यूएन के चीफ के ऊपर, उसके बाद भी यूएन कोई एक्शन नहीं ले रहा कि मेरे खिलाफ क्यों एक्शन लिया इसराइल ने, औकात क्या इसराइल की, जरूरत क्या इसराइल की? नो, अगेन यूएन का सेफ्टी जर्नल है अंतोनियो गुटेरेस कह रहा है कि भाई सॉरी बॉस, माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई है। कमाल की बात है, कमाल की बात, अमेजिंग। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर यूएन का चीफ आए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, वी फील ऑनर्ड। और वहां उस यूएन चीफ के ऊपर पाबंदी इंपोज किया इसराइल ने, तो इसराइल दिखा रहा है यूएन को औकात कि यूएन आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है, संभल जा, अपने हद में रह, ये है यूएन की हैसियत। देखें जरा नंबर 4, ये चीज नंबर 4, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2728 पास्ड ऑन 25 मार्च 2024। रिमेंबर, सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी रेजोल्यूशंस हों फॉर हैविंग सीज फायर टू स्टॉप द वार, दे आर बाइंडिंग, वो बाइंडिंग है, उनको उसी वक्त आपको लाजमी फॉलो करना चाहिए। अब यहां पर ये डिमांड था इसका, देयर मस्ट बी सीज फायर इन गजा, इसराइल जो है जल्दी गजा में जंग को स्टॉप करे। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, 14 वोट मिले थे इस करारदाद को, और अमेरिका ने एब्सटेन किया था, यूएसए ने, उसने वीटो नहीं किया था, तो ये पास हुआ सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशन। अब इस पर लाजमी अमल करना चाहिए, इट इज बाइंडिंग, यूएन के चार्टर में ओवरऑल हैं कुल 111 आर्टिकल्स। आर्टिकल 25 के मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम रेजोल्यूशंस, तमाम ऑर्डर्स उसी वक्त फॉलो किए जाएं एज दे आर बाइंडिंग अपॉन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन क्या कहा इसराइल ने, सिक्योरिटी काउंसिल कौन है भाई, मैं जंग स्टॉप क्यों करूं, मेरी मर्जी है, कौन है सिक्योरिटी काउंसिल भाई, आप हैं कौन, मेरी मर्जी है। ये 25 मार्च की बात है और आज 1 नवंबर है, अभी तक गजा में सीज फायर नहीं हुआ। अब देखें जरा, यूएन के चार्टर के आर्टिकल 51 में वाज़े लिखा हुआ है सेल्फ डिफेंस, अगर एक सावरन कंट्री के ऊपर किसी ने अटैक किया ना, तो उस कंट्री के पास राइट मौजूद है सेल्फ डिफेंस का, वो स्ट्राइक बैक कर सकता है। तो इसराइल ने क्या एक्सक्यूज जो है किया था कि 7 अक्टूबर 2023 को जो गजा से फायर किए थे हमास ने रॉकेट्स, तो उसके बाद मेरे पास राइट मौजूद है यूएन के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत कि मैं अटैक करूं, रेस्पॉन्ड करूं गजा के ऊपर, उसने किया। अब यहां इसराइल मानता है यूएन के चार्टर के आर्टिकल 51 को, लेकिन यहां पर इस पर अमल नहीं करता कि भाई 25 को मैं नहीं मानता, 51 को वो मानता है, अमेजिंग।
और अगर यहां पर उस कंट्री ने जो है यूएन की बात नहीं मानी, सिक्योरिटी काउंसिल के जो ऑर्डर्स हैं अगर उन पर अमल नहीं किया उस अग्रेसिव कंट्री ने, उसके जंग अटैक्स जारी हैं, सीज फायर नहीं करता, तो यहां पर आर्टिकल 41 टू 46 सिक्योरिटी काउंसिल मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट दैट कंट्री। पहले आर्टिकल 41 में वाज़ लिखा हुआ है कि उस कंट्री के खिलाफ आप जो हैं उस पर सैंक्शंस इंपोज करें, तमाम जो कंट्रीज हैं दे शुड कट ऑफ देयर टाइज, चाहे ट्रेड डिप्लोमेटिक रिलेशन सब कुछ खत्म करें, कम्युनिकेशन नो फ्लाइट्स नो ट्रेड कुछ नहीं है। अगर फिर भी वो कंट्री जंग को स्टॉप नहीं कर रहा ना, उसके बाद आप आकर यूएन के फोर्स को डिप्लॉय करें, एक्शन लें, मिलिट्री को लॉन्च करें, जंग करें अगेंस्ट दैट कंट्री। सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई एक्शन लिया अगेंस्ट इसराइल? नो, कुछ नहीं किया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज फेल्ड मिजरेबली। क्या हैसियत है इसराइल की, कमाल की बात है ये। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल द मोस्ट पावरफुल यूएन ऑर्गन हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकता वो। और इसराइल ने बार बार कहा कि ये मेरा मामला है, मैं इसराइल हूं, ये गजा है, ये हमास है, ये मेरा आपस में मामला है, यहां यूएन बीच में ना आए तो बेहतर है, द यूएन मस्ट स्टे अवे। जरा सोचें, ये वो इसराइल है जिसको खुद बनाया था यूनाइटेड नेशंस ने। दुनिया में आजकल 193 सॉवरेन कंट्रीज हैं, इसराइल इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड मेड बाय द यूएन इटसेल्फ। 29 नवंबर 1947 को यूएन ने पास किया रेजोल्यूशन टू डिवाइड पैलेस्टाइन, फिर 14 मई 1948 को फलस्तीन का हुआ पार्टीशन, फिर वहां से बनाया गया इसराइल मेड बाय द यूएन। इसराइल को खुद को बनाया यूनाइटेड नेशंस ने, तब सही था। और आजकल कह रहा है इसराइल यूएन को कि आप मुझसे दूर हो जाओ, आपका कोई लेन देन नहीं इस जंग के अंदर, मैं आपको जानता नहीं, मैं आपको मानता ही नहीं, आपकी औकात क्या है। यह है पावरफुल इसराइल, यह है माइटी इसराइल, एंड द यूएन हैज कंप्लीटली फेल्ड, एंड इट इज दिस इज द बिगनिंग ऑफ द यूएन डाउनफॉल। नोट माय वर्ड्स, यहां से मुझे बिल्कुल लीग ऑफ नेशन की बदबू आ रही है यूनाइटेड नेशन से, अनफॉर्चुनेटली।